राम साहब, मैं आज आपको बताऊंगी कि अफगानिस्तान सलवार कैसे बनाई जाती है। ये हमने दो भाग में कपड़ा ले लिया है। सलवार की लंबाई है 38 इंच। देखो कपड़ा हमारे पास है 1 मीटर से ज़्यादा है। पहले हम इन कपड़े को 4 भाग में कर लेंगे। एक करने वाला भाग है हमारी तरफ कर लेंगे। पहले कपड़े को यहाँ से सीधा करेंगे। अब हमारी सलवार की लंबाई 38 इंच है। 3 इंच यहाँ से पौन चेक ले लेंगे, 2.5 इंच एक्स्ट्रा, 2.5 इंच है, आधा इंच यहाँ पर सिलाई का आ जाएगा। यहाँ से हमने ये माइनस कर लिया है, आगे की ओर बता लिया हमारा पहुँचा गया। अब ये हमारी सलवार है 38 इंच है, यहाँ से हम 4 इंच माइनस लेंगे बेल्ट के लिए। 1 2 3 4 आधा इंच हम प्लस कर लेंगे सिलाई के लिए। बेल्ट हमेशा छोटा रखेंगे, सलवार सूं कटने पर या छोटी होने पर आधा इंच यहाँ से खोला जा सकता है बेल्ट। अब यहाँ से हम 34.5 पर कटिंग कर लेंगे। चार इंच हमारा बेल्ट है। यहाँ पर निशान आया 15 इंच पर। ये देखो 11 इंच हमारी जोली होगी। जोली पर इस तरह से निशान लगाएं, 1 इंच पर गोलाई दी। हमारा पौंचा है 6 इंच है, 6 इंच पौंचा है। यहाँ से हम 10 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, जितनी प्लेट डालेंगे उतनी अच्छी लगेगी। देखो हमारा यहाँ पर 16 इंच हो गया। इसी कपड़े को यहाँ से मिला देंगे। ये हमारी सिलाई के अंदर आ जाएगी कपड़ा एक्स्ट्रा। ये हमारे 2 भाग हो गए। पहले हम यहाँ पर सिलाई दे लेंगे, बाद में हम यहाँ पर चुन्नट डालेंगे। यहाँ से दोनों ओर जोले के सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर हमने 2-2 इंच पर ये पीछे वाली प्लेट के लिए निशान लगा लिए। इस तरह पहले पीछे वाली प्लेट डालेंगे। बाईस इंच का इसका बेल्ट है। हमने 8 इंच तक प्लेट डालनी है, 8 इंच निशान लगा लिए। यहाँ से लेकर यहाँ तक का हमारा कपड़ा खरी रहेगा, पीछे एक साइड में आ जाएगा। यहाँ पर हम कट का निशान लगा लेंगे, पीछे की साइड से यहाँ से कट का निशान लगा लेंगे। जितना कपड़ा आगे बचा है इन कपड़े की प्लेट डालेंगे। जैसे कि हम नॉर्मल सलवार में प्लेट डालते हैं वैसे ही इसमें प्लेट डालेंगे। इस तरह से
लिटिन डाल दें। ये देखो हमने बेल्ट तैयार कर लिया, 22 इंच तैयार है हमारा। देखो यहाँ से यहाँ तक लिफा भी फोल्ड कर लिया है। यहाँ पर हम प्लास्टिक के लिए 2 इंच खुला रख लिए। अब हम अलग से बेल्ट लगाते हैं ऐसे। ये देखो ये नापे 2 इंच, सॉरी 22 इंच पूरा तैयार है। अब हम अंदर की ओर बेल्ट को ऐसे रखेंगे। बेल्ट सीधी साइड है, सलवार की सीधी साइड है, इस तरह से मिल। ऐसे चारों ओर सिलाई दे दी। ये देखो हमारा बेल्ट अटैच हो गया है। अब हम इसे पोंछा बनाएंगे। मोरी 6.5 इंच रखनी है। यहाँ से 1 इंच कपड़ा छोड़कर इस तरह से प्लेट डालेंगे, एक जैसी प्लेट डालेंगे। ये देखो इस तरह से यहाँ पर पोंछे में प्लेट डाल लेंगे। प्लेट डालने के बाद हमने यहाँ पर बुकरम अटैच कर ली है। नीचे की साइड ऐसे सिलाई लगाएंगे, ऐसे हम सिलाई लगा देंगे नीचे की ओर रख के बुकरम का भाग ऐसे। सिलाई लगाने के बाद पोंछे को इस तरह से फोल्ड कर देंगे। ये देखो इस तरह से हमने पोंछा बना लिए है। पोंछे के बीच में ये स्क्रोल भर लिए। अब हम इसे ऐसे सलवार को अटैच कर देंगे। देखो हमारा 6.5 इंच पोंछा रख लेंगे ऐसे। हमारी सलवार फाइनल हो गई है। इसी तरह से ऐसे यहाँ की प्लेट है, ये प्लेट एक जैसी है। देखो एक साइड में प्लेट का मुंह है, इसी तरह से इसमें भी ये देखो एक साइड का मुंह है। प्रेस ग्राइंडर में वैसा नहीं होगी, ऐसा लुक आएगा।